हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शान टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ये हमारे पास है रेडमी नोट 7 प्रो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है FRP लॉक लगा हुआ है। और किस तरीके से जो है FRP लॉक खोलना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक वाईफाई यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। वाईफाई यहाँ पर कनेक्टेड है, उसके बाद यहाँ पर ऐड नेटवर्क पर क्लिक करना है। ऐड नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद www.youtube.com यहाँ पर टाइप करना है और इस पर इस तरीके से टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च के बगल में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे डॉट पे और सेटिंग, उसके बाद अबाउट और यहाँ पर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है कौन सा ब्राउज़र पर आप खोलना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके MI के ब्राउज़र पर ही इसको जो है खोलूँगा। चलो यहाँ पर इसको स्किप करते हैं और कंटिन्यू। ये जो है यहाँ पर खुल चुका है। उसके बाद आप एक नया टैब ले लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉन्चर डाउनलोड करना है। लॉन्चर एपेक्स लॉन्चर, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐप्स मिलेंगी, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पर डाउनलोड करना है आपको, क्लिक एंड देन फिर से क्लिक और देन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर चेक कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दिक्कत होता है। तो किसी और साइट से आप एक बार डाउनलोड करेंगे और हम करेंगे इससे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर डाउनलोड का आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाता है कि यहाँ पर आपका जो नेट की वजह से यहाँ पर दिक्कत करता है, क्योंकि इसका सिक्योरिटी लगा हुआ है, इस वजह से दिक्कत जो है यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं और ऊपर यहाँ पर हमारा जो लॉन्चर है वो यहाँ डाउनलोड हो रहा है और ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग है, ब्लॉक दिखाएगा, इसको खोल देना है, ठीक है। उसके बाद इसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली सा काम है वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ये अभी स्कैनिंग हो रहा है, ठीक है। स्कैनिंग MI के फ़ोन में आपको पता है यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके बाद आपको ओपन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये जो लॉन्चर है ये यहाँ पर वर्क कर गया है, ठीक है। अब ये आपका लॉन्चर यहाँ से खुल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक बार आपको यहाँ पर बैक भेजेगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोबारा से यहाँ पर वही करेंगे जो आपको आपने पहले किया था, youtube.com, ठीक है। और मैं यहाँ पर थोड़ा पाउज कर देता हूँ क्योंकि वहीं पे हमें जाना है। चलिए यहाँ पर दिखाया तो नहीं, तो आप बोलोगे कि भाई आपने तो गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पर डाउनलोडेड है, ठीक है। इसको मैंने फिर से यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है दोबारा से, ठीक है। फिर से यहाँ पर हमने इसको डाउनलोड कर दिया है और हम यहाँ पर स्कैन नहीं करेंगे अब। तो यहाँ पर अब हम इसको खोल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये नहीं जाएगा। अब इसको क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखो एक एडिशनल सेटिंग मिलेगा, और एडिशनल सेटिंग में नहीं, यहाँ पर किधर गया भाई, पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो लॉक है वो डिसेबल है। यहाँ पर आपको सिंपली से यहाँ पर एक पासवर्ड इनेबल कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर N बना दिया, ये N, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे ऐड। तो यहाँ पर आप फिंगर भी ऐड कर ले जिससे कि खुलने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आपका फिंगर ऐड हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली सा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक बार स्क्रीन लॉक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली सा बैक जाके यहाँ पर इसको रीस्टार्ट करना है फ़ोन को। रीस्टार्ट होने के बाद इसको जब ऑन करेंगे तो आपने जो यहाँ पर अभी पैटर्न जो है सिलेक्ट किया है उसी पैटर्न को यहाँ पर मांगेगा। तो यहाँ पर अभी हम पैटर्न इसका डालेंगे, अभी वेट करते हैं इसका ऑन होने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो पैटर्न डिज़ाइन किया था वो यहाँ पर खोल देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप जस्ट ए सेकेंड यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और ये देखिए यहाँ पर, तो
और यहाँ पर डोंट कॉपी, उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पर पैटर्न जानते हैं या फिर गूगल आईडी। तो यहाँ पर अभी हमने जो पैटर्न सेट किया था वो यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एन लगा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, एक तो स्किप और एक नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम स्किप का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपका MI अकाउंट अगर लगा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पर स्किप का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, तो इसको हमने कर दिया स्किप। और यहाँ पर थीम्स, ठीक है, और यहाँ पर स्किप ऑप्शन, और फिर यहाँ पर कट, और फिर यहाँ पर सेटअप इज़ कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजी वे में जो है हमने यहाँ पर FRP खोल लिया है। यहाँ पर किसी भी ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं पड़ी और 6 मिनट का वीडियो बनाया है टोटल, 6-7 मिनट का। तो यहाँ पर जो है आपका FRP लॉक खोलना बिल्कुल आसान है MI के फ़ोन में। अगर MI अकाउंट होता तो मैं यहाँ पर MI अकाउंट का भी आपको दिखा देता किस तरीके से जो है आपको करना है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग यहाँ पर दिखा रहा है और होने देते हैं लोडिंग, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सेटअप कम्प्लीट होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा। और अगर आपको FRP खोलने में कोई भी दिक्कत आई हो तो दोस्तों नीचे कमेंट करें, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा किस तरीके से जो है आपको खोलना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछेगा कौन से लॉन्चर से जो आप चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली सा हम इसके सिस्टम लॉन्चर से चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपका जो FRP है यहाँ पर खुल चुका है और आपका फ़ोन जो है बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर आपने जो Apex लॉन्चर डाला था उसको यहाँ पर अनइंस्टॉल आप आसानी से कर दें और कोई भी दिक्कत जो है यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर जो लॉक डाला था वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।